खिचड़ी बनाने के लिए हम ये जो साबूदाना है इसको 3-4 घंटे पानी में भिगो लेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से छन्नी से निकाल कर इसका पानी सारा ड्रेन कर लेंगे। इसको ड्रेन करने के लिए भी हमें आधा घंटे करीब ऐसे जाली में इसको रखना होता है। आप देखिए ये बिल्कुल ही गल गया एकदम अच्छा सा। तो और इसको चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब उसके लिए हमें पहले ये पीनट है, ये मूंगफली के दाने, इनको हमने रोस्ट कर लिया है, तेल में घी में भून लिया है। अब इसको हम मिक्सी में डालकर दरदरा पीसेंगे, बारीक बिल्कुल नहीं पीसेंगे, दरदरा पीसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा देखिए दरदरा सा पीस गया है। अब हम इसको और इसे एक बर्तन में अपने ही साबुदाने को सारा डाल लेंगे और इसमें ही ये जो हमने पीनट को पीसा हुआ है, दरदरा किया हुआ है, उसको मिला लेंगे। अब हम इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको गैस में कढ़ाई को रखेंगे और इसमें 2 चम्मच ऑयल के डालेंगे। हमारा ऑयल गरम हो गया। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हरी मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम इसमें उबला हुआ आलू जो कि छोटे छोटे पीसेस में कट हुआ है इसको डालकर भूनेंगे। आलू अब हमारे थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसमें इस पीरियड में टोमेटो बारीक कटा हुआ डालेंगे। अब हम टोमेटो को बहुत अच्छे से गलाएंगे नहीं, हल्का सा दानेदार ही रखेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें ये अपने जो पीनट और साबूदाना था भीगा हुआ इसको मिलाया था, अब इसको डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं ये, इनको डालेंगे। हम इसमें सॉल्ट बाद में डालेंगे, नहीं तो ये हमारा गीला हो जाएगा। इसको मिक्स करने के बाद गैस को सिम में करके, एकदम लो फ्लेम में करके इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। अब ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गया, पक भी गए हैं। अब हम इसमें इस टाइम पर, जो हमारे पूरे कम्प्लीटली बन गया है, अब हम इस टाइम पर इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें सेंधा नमक डाला हुआ है।